इन्होंने सदैव मुझे साहस बनाने का काम किया है और दूर दूर से चल करके आए सभी हमारे सम्मुख बैठे वाले माताओं बहनों और सभी वरिष्ठ जनों को मैं चरण बंधन करते हुए नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे दुख में आपने इतना समय दिया। उसके बाद मंच पर उपस्थित हमारे परिवार को न्याय दिलाने के लिए गोरखपुर से चल करके आए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिताजी राजेंद्र त्रिपाठी जी के चरणों को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सोनाली भैया जो हमारे दाखिल की तरीके से हमारे परिवार के साथ हर दुख चुप में खड़े रहते हैं, आपका चरण बंधन करता हूँ। जितने हमारे समस्त भाई बैठे हैं आदरणीय प्रमोद मौर्या जी, आदरणीय चंद्रा भाई, जिन्होंने प्रथम दिन से ही किसी पार्टी और किसी दल की बात न करते हुए मानवता और इंसानियत की बात करते हुए मेरे कदम से कदम, मेरे परिवार के कदम से कदम मिला है, मैं आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय डीपी इंसान जी, आपका वंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आदरणीय मौर्या भैया जो हर समय मेरे साथ लगातार 24 तारीख की घटना के बाद से सदैव मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए हैं, आपका नमन करता हूँ। भाई भूपेंद्र पांडे जी, आदरणीय सांसद यहाँ नहीं है लेकिन निश्चित रूप से मैं आज सर्व समाज के सामने मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय सांसद जी का जो कर्तव्य था, जितना वो कर सकते थे किए हैं और जितना कर सकते हैं उसका वादा किया है, इसलिए मैं आदरणीय सांसद जी को इस मंच की ओर से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे सभी साथी जो भी मंच पर बैठे हैं आप सभी को, मनीष भैया है, प्रमोद भैया है, उदय भाई है, संदीप भैया है, हमारे भाई जो चल कर गया है दूर से, मेरा बेटे पैसा आज उनका बेटा हुआ है, और जितने सारे लोग जितना समय उपस्थित है जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन्होंने मेरे परिवार के दुख में शामिल होकर के अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का समय दिया है, हमारे मीडिया के साथी सभी जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को, हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ, सबका बंदन करता हूँ। मैं इसी स्थिति में नहीं है कि मैं भी बहुत सारी बातें रख सकूं, लेकिन आप सब जानते हैं जो नहीं जानते हैं और जो आज मेरे साथी दूर से आए हैं, अगर 24 तारीख को मुझे अकेले लिहत्ते पर वार नहीं किया जाता, आप हॉस्पिटलों में मिल करके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे परिवार से चाहे जितना बड़ा करता है परिवार रहा हो, कोरोना का प्रसार दल का कोई सामने चाहे परिवार रहा हो, कोई अपराधी का परिवार रहा हो, लेकिन किसी की माँ ने इतना दूर से किया था कि मेरे परिवार से खुल करके सामने आकर रहने की चाहत रखता होता, केवल धन की सवार बोला गया है, इस थाना अध्यक्ष में मानव चौधरी सवार बोला गया है, मैं खुलेआम उसको गाली देना चाहता हूँ, उस थाना अध्यक्ष ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मेरे परिवार पे, इतने बड़े उत्पीड़न की हत्या की, मेरे भतीजे की हत्या की, सारी साजिश उसकी रही है, अगर वास्तव में उसका सीरिया निकाला जाए, उसकी कार डिटेल खड़ा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पहले मुठभेड़ किया जाता है सुन करके मेरे बड़े भाई पूछते हैं, मोटरसाइकिल से उतर नहीं पाते, उसके पहले उनके ऊपर बैठ करके उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। मेरा बेटा 23 वर्षीय बेटा मेरी 85 वर्षीय माँ को इलाज करा के लौट रहा था, विकास खंड के लोग ही भट्टे में जाए तो बताते हैं आपके बेटे से लड़ाई हो रही है, मेरी उस 85 वर्ष की माँ को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है, मेरे बेटे को जिस तरीके से मारा जाता है उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है, और कोई भी संवेदना वाला व्यक्ति होगा अगर वो एक मिनट का वीडियो देख लेगा तो भी जीवित हो जाएगा। ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जहां भी पाए जैसे भी पाए, इस तरीके जिस तरीके से चरण रूप से मेरे बेटे को निर्ममता से पीटा गया, उसके बाद हौसला हौसले अपराधियों के पूरे होते हैं, इसी थाने में दो लोगों को ले जाकर बैठाया जाता है और उसके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसी एक पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियां आती है उसके पैर भी करने के लिए, लोग कहते हैं न बोलो क्यों न बोलो, मेरा सर्विस ले लिया तुमने, जो बाकी बच्चा हसन तो उस पांडे को मार दो, सारे अमित पांडे को मार दो, सचिन पांडे को मार दो, मेरे तीनों लोगों हमको मार दोगे तभी लड़ाई बंद होगी, अन्यथा मेरा परिवार उतर जाएगा, आप साथ दे या न दे लेकिन मैं लड़ूंगा इनसे, आजीवन लड़ने की सहमत लेता हूँ, जब तक इनका बिना सर्वनाश नहीं हो जाएगा तब तक मेरा परिवार चैन से नहीं बैठेगा। आप हमारे अग्रज हैं, हमारे अगुआ हैं, हमारे समाज के सारे मूर्धन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, यदि आप मेरा साथ न दे सके तो केवल मेरा विरोध न करे, नैतिकता बरकरार रखे, जो जहां से सोशल मीडिया से वायरल किसी संबोधन भैया ने कहा कि 50 की संख्या है, संख्या है केवल ब्राह्मणों की, जो वास्तव में वो किसी दूसरे की औलाद है, दोगले की औलाद है, अपने माँ की बाप की असली औलाद नहीं है, और चंद छत्रियों की मेरी किसी छत्री से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी सर्व समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, जो मेरे परिवार का इतिहास जानते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे परिवार का इतिहास पता करिएगा कि मेरा परिवार
सबसे निचले से निचले स्तर के उन लोगों को गले लगाने का काम करता है, अपने बगल पर कुर्सी बैठाने का काम करता है, जिसे आम आदमी घृणा करता है, दूर से बात करना नहीं पसंद करता है। हमने कभी भेदभाव नहीं माना। 1.5 वर्षों की प्रधानी में जो बल बड़ा समाज को समर्पित किया, आय के लड़के बीडीओ से अधिकारियों से ला करके दिया, और उसी बात की 30-39 साल राज करने वालों को थी, और वो सीधे लड़ नहीं सकते थे मुझसे, जानते थे कि मेरे साथ जनमत है, जानते थे मेरे गाँव में आज का जनमत नहीं है। 2000 में मेरे यही भाई उमेश पांडे, जब पूरे जिले पर निर्विरोध करा दिया गया था जिला पंचायत की सीट पर, तब मेरे आदरणीय बड़े भाई उमेश पांडे जी कांग्रेस के समर्थन से यहाँ के प्रत्याशी रहे, और उन परिस्थितियों में जब साथ और किसी को पाना नामुमकिन था, उस समय 7000 वोट इसी जनमानस से मेरे भाई को लेकर के मेरे हसरों को पूर्ण करने का काम किया था। 2015 में भी जिला पंचायत का चुनाव मेरे बड़े भाई ने लड़ा, उस समय भी 5000 से ऊपर लोगों ने अपना समर्थन देकर के मुझे ताकत करने का काम किया। यहाँ 2000-2500 वोट पाकर लोग जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, तो मुझे एक सेकंड के तरीके के तहत सदा हराया गया। जनता ने सदा मुझे जिताने का काम किया, लेकिन इन पूंजीपतियों ने, इन अधिकारियों ने, इन बाहुबलियों ने मुझे सदा हरा करके तमाम तरीके की यही सेवन सेवे तक मेरे ऊपर लगाया गया। इसी भागरा थाने के अंतर्गत जिसमें न्याय हुआ, जनता की ताकत देकर के थाना अध्यक्ष को उसको पोस्टपोन करना पड़ा। आप सबके आशीर्वाद से आज मैं कमजोर हूँ, मैं पता है मुझे कमजोर किया गया है, और कमजोर इस तरीके से किया गया है तो मेरी असली पूंजी है उसको छीन करके कमजोर किया गया है, लेकिन मैं किसी और की कोख में नहीं दूंगा, मैं किसी और परिवार के किसी बालक की हत्या नहीं होने दूंगा, मैं सबक खाता हूं। और जिस दिन किसी और परिवार में हमला हुआ, सबसे पहले संतोष पांडे अपनी जान को छोड़ करने का काम करेगा। मैं बहुत कुछ न करके कहने की क्षमता है, आप सभी आदरणीय जनों को, प्रमुख जनों को, हमारी माता बहनों को मैं एक बार कहना, आप मेरे दुख में शामिल हुए, आपने मुझे मेरे परिवार को जो ताकत प्रदान करी, इसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, और अपने भाई को विदाई देता हूं।